अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों शाओमी पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ अपनी डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है। आज की वीडियो में रिसेंटली लॉन्च होने वाली मी 11 लाइट 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाली वेरियंट है, 44,000 रुपये की प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुआ है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो फ़ोन है ये काफ़ी थिन और काफ़ी लाइट वेट है। आप इसको अनबॉक्स करके देखेंगे क्या ये वाकई थिन है और वाकई लाइट वेट है, क्योंकि हमने शाओमी के जो पिछले फ़ोन है उनमें एक शिकायत हमेशा देखी है, जो आप लोगों ने भी हमेशा वो शिकायत की मुख्तलिफ कमेंट में मैं देखता रहता हूं कि फोन जो शाओमी के हैं वो या तो थिन भी नहीं होते, काफी थिक होते और काफी हैवी होते हैं। तो इस बार शाओमी ने उसका उन्हें मतलब यहां पे हमें बाकायदा टैग लाइन भी दी गई कि फेदर वेट डिजाइन और एलिजेंट एंड स्लीक। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह का ये फोन हमें मिलता है और अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद मजीद डिटेल में बात करेंगे इस फोन के बारे में। जियो दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स मी 11 लाइट का बिल्कुल वाइट बॉक्स यहाँ पे हमें मिलता है और सिल्वर कलर की यहाँ पे शाओमी की ब्रांडिंग 11 यहाँ पे प्रिंट किया गया, लाइट शाओमी, और नीचे कुछ इसकी टैगलाइन लिखी गई है फेदर वेट डिजाइन एलिजेंट एंड स्लीक। अच्छा शाओमी क्या कर रहा है, इसको अनबॉक्स भी करते हैं, साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि शाओमी अब क्या कर रहा है कि अपने फोन्स की डिज़ाइन डायमेंशन और उसकी उसका जो वेट है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और ये अच्छी बात है। लेकिन शाओमी को इसी के साथ साथ, जैसे अभी मैंने आपको ओपनिंग पार्ट में कहा कि बाकी चीज़ों का भी को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब जो हार्डवेयर होता है एक अच्छा हार्डवेयर हमें मिलता है, ये इसका वारंटी कार्ड हो गया। दोस्तों अब हमारे पास ये कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने आ गई है, मैं करीब करके आपको दिखाऊँ। यहाँ पर मी 11 लाइट 6GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज और ये बोबा ब्लैक, मतलब आप इसको एक मैट डार्क ब्लैक भी कह सकते हैं, जेट ब्लैक भी कह सकते हैं, इस तरह का एक डिज़ाइन यहाँ पर हमें कलर जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो मज़ीद इसको अनबॉक्स करते हैं दोस्तों, बॉक्स को अनबॉक्स करते ही हमें ये पैकेज मिलता है जिसपे शाओमी की ब्रांडिंग हमें मिलती है और ये सिम इजेक्टिंग टूल हमें मिल जाता है, कुछ ये पेपर वर्क हमें मिलता है इस फ़ोन के, और ये क्या है, ये कोई नहीं, अच्छा टाइप USB टाइप सी 2 3.5 mm हेडफोन जैक भी हमें दिया गया है, क्या बात है। और इसको बड़े ज़बरदस्त कहम के ये एनवलप में जो है ना इसको रैप किया गया, देखें इस तरह का हमें ये एक, ये पहली दफ़ा मैंने इस तरह का रैप हुआ देखा और ये बड़ी मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है अगर मैं आपको बताऊं। तो इसको वापस के अंदर डाल देते हैं, ये अच्छा हुआ कि इसको इस तरह के एक एनवलप में दे दिया तो ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमें मिल जाता है ये बैक कवर और ये वही सिलिकॉन मटेरियल का सॉफ्ट और ये सिल्वर वाइट कलर का यहाँ पे हमें बैक कवर दिया गया जो हमेशा शाओमी के फ़ोन्स में हमें मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है ये हमारा यूनिट मी 11 लाइट, ये ऊपर जो स्टिकर है इसके ऊपर लिखा गया है और यार ये वाकई बहुत लाइट है, ये वाकई बहुत लाइट है। चले जी, वाइब्रेंट 10-bit OLED डॉट डिस्प्ले हमें मिलता है और ये 19Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमें मिलता है इस डिस्प्ले के अंदर। इसके अलावा दोस्तों फेदर वेट डिज़ाइन हमें बताया गया यहाँ पे मिल जाता है, ये वाकई फेदर वेट डिज़ाइन है, बहुत लाइट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट हमें यहाँ पे हमें मिल जाता है और 64MP के कैमराज हमें यहाँ दिए गए हैं। ज़रा इसको अनरैप करते हैं और यार मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ इसके डिज़ाइन से भी और स्पेशली इसका जो वेट है ना वो वाकई बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, इतने लाइट वेट के फ़ोन शाओमी बना रहा है और इतने अच्छे हार्डवेयर के साथ। तो ये हमारी जो नाराज़गी है वो शाओमी अब ख़त्म कर रहा है। देखिए इस तरह का ये जेट ब्लैक आपको मिलता है और ये जो है ना ये थोड़ा मतलब है कि शाइनी ब्लैक है, बिल्कुल शाइनी ब्लैक हमें यहाँ पर मिल जाता है और स्पेशली ये जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं इसके ये तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखें आप सही नज़र आ रहे होंगे आपको, इस तरह के कैमरा मॉड्यूल्स हैं और ये 3 कैमराज हैं दोस्तों। इस तरह का हमें बैक पैनल ओवरऑल हम देखें तो हमें मिल जाता है। फ़ोन को मैं ज़रा पावर ऑन करता हूँ, ठीक है जी, फ़ोन पावर ऑन होता है जब तक हम आते हैं बॉक्स के जो दीगर कंटेंट हैं हमारे पास, जिसमें हमें मिल जाता है ये एक केबल जो कि Type-A to Type-C की केबल है फ़ोन को चार्ज करने के लिए और ये एक चार्जर हमें मिल जाता है बड़ा सा। और ये दोस्तों हमारे पास चार्जर्स को मैं करीब से करके आपको दिखा भी देता हूँ, 33W का। एक मिनट में ये रैपर भी इसका रिमूव कर दूँ ताकि आप ठीक से देख सकें। ये देखें 33W का फास्ट चार्जर भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, तो यानी कि ये फ़ोन 33W की फास्ट चार्ज को भी सपोर्ट करता है। तो इस प्राइस रेंज में नो डाउट मतलब आप लोगों का जो इंतज़ार है वो वैलिड था। मी वाई 12 हमें मिलता है। अच्छा मैं ये सारा जो कंटेंट्स हैं इनको एक तरफ रख लेता हूँ, क्या बात है। फ़ोन दोस्तों हमारे पास सेटअप हो गया है और मैं यहाँ पे ज़रा ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दूँ और ऑटोमेटिक मैं ख़त्म कर दूँ ताकि आप देख सकें।
और ब्राइट, वाकई ब्राइट स्क्रीन लग रही है यहाँ पे। मतलब एक ये शिकायत जो हमें रहती थी कि शाओमी के फ़ोन्स में हमें जो स्क्रीन है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं मिलती है, तो वो शिकायत भी मुझे लग रहा है कि शाओमी ने इसको काफ़ी हद तक इसको मैनेज करने की कोशिश की है। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में मैं थोड़ी डिटेल आपको बताऊँ, एक एमोलेड पैनल हमें यहाँ पर मिलता है और शाओमी कहते हैं कि 1 बिलियन कलर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 500 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पर हमें मिलती है। मैंने आपको कहा था ना ब्राइटनेस अच्छी है, 500 निट्स की यहाँ पे जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो हमें मिल जाती है, और ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला जो डिस्प्ले है वो हमें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँ 1080p का ये एक पैनल है, 402 PPI डेंसिटी हमें यहाँ पे मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। मेरा ख्याल है 90 हर्ट्ज जो है ना वो इनेबल नहीं है, इसको चेक करें 90 हर्ट्ज इसका कहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये देखें 60 हर्ट्ज है, इसको हम 90 हर्ट्ज कर देते हैं। वो इसकी परफॉर्मेंस से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसका जो है ना अब हुआ ना, देखें अब पता चल रहा है, आप लोग यकीनी तौर पर आप लोगों को वीडियो में नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हुआ है। और यार ये लाइट वेट इतना है, मुझे पर्सनली लाइट वेट फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है और आई रियली लाइक इट यार, इसका वेट, इसका ये स्लीक डिज़ाइन, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ शाओमी के इस फ़ोन से सिर्फ और सिर्फ इसके डिज़ाइन और इसके जो डायमेंशन है उसकी वजह से। दोस्तों जाएंगे सेटिंग के अंदर और सेटिंग के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे अबाउट फ़ोन, शाओमी में ऊपर होता है ये रहा अबाउट फ़ोन में MIUI 12 हमें मिलता है और ये MIUI 12 0.3 का जो वर्जन है हमें मिल जाता है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें 1/1/2021 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच हमें मिलता है, 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज जिसमें से 17.4 GB एको ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, जो UI है हमारा MIUI उससे और प्री इंस्टॉल जो एप्लीकेशन है उनकी वजह से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कैमराज के बारे में तो मैं आपको बताऊँ बैक पर ये जो खूबसूरत कैमरा मॉड्यूल देख रहे हैं इसमें 3 कैमराज फिट किए गए हैं, जिसका जो मेन सेंसर है वो 64 MP का 1.8 एपर्चर का 26mm वाइड लेंस है, दूसरा जो है वो 8 MP का 2.2 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है, थोड़ा करीब करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसी तरह जो तीसरा लेंस है वो 5 MP का मैक्रो लेंस है और उसमें भी हमें आउट ऑफ फोकस की टेक्नोलॉजी दी गई है, क्या बात, 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप इन कैमरा से कर सकते हैं, 1080p की 30 FPS 60 FPS और 120 FPS तक की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन यहाँ पे आपको जायरोस्कोपिक बेस्ड EIS यहाँ पे आपको दी गई है, जायरोस्कोपिक बेस्ड का मतलब होता है कि जो जायरो सेंसर है इस कैमरा के अंदर वो जो है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका जो तस्वीर होती है वो ज़्यादा क्रॉप नहीं होती साइड से ना, तो ये ज़रा एक फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो मैं आपको बताऊँ 16 MP का पंच होल वाला डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिया गया है और ये 2.5 के साथ आता है 1080p 30 FPS 70 FPS और 120 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्लो मोशन मोड जो है वो बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों में मिल जाएंगे। मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे हमें एक 4250 mAh की बैटरी दी गई है जिसको आप 33 W से फास्ट चार्ज कर सकते हैं और 33 W का फास्ट चार्जर आपको इन बिल्ट इसके आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सीरियसली मैं इंप्रेस हूँ इस फ़ोन के डायमेंशन से, इसके वेट से, इसके डिस्प्ले से इनिशियली, और सबसे खूबसूरत चीज़ इसका कैमरा मॉड्यूल, ये अंडा टाइप शेप मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक और व्यू लेते हैं दोस्तों, इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें वॉल्यूम रॉकर्स आई होप अभी आप देख पा रहे होंगे, ये अब आप देख पा रहे होंगे ये वॉल्यूम रॉकर्स हमें मिलता है, ये पावर बटन भी और फिंगरप्रिंट सेंसर भी, और ये वैसे ही जैसे हमें रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर जो हमें सेंसर मिला है सेम बिल्कुल वही डिज़ाइन है। नीचे की तरफ हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलती है स्पीकर ग्रिल, उसके बराबर हमें टाइप सी की पोर्ट मिलती है, माइक मिलता है और सिम ट्रे मिलती है। सिम ट्रे को मैं ज़रा बाहर निकालता हूँ और हम देखते हैं कि ये इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा जी, ये दोस्तों इसकी सिम ट्रे, और यहाँ पे आपको मतलब एक वक्त में या तो ड्यूल सिम लगा सकते हैं, इस तरह साइड करके दिया गया है और हर तरह से यहाँ पे जो है ना फ़ोन को स्लिम करने की कोशिश की गई है, इस तरह का दिया गया है। यहाँ पे आप एक वक्त में या तो ड्यूल सिम लगा सकते हैं या फिर आप ड्यूल सिम के साथ एक सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, और यहाँ पे कोई रबर की कोटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्प्लैश प्रूफ फ़ोन नहीं हो सकता। बहरहाल इसको बाद में देखेंगे। ऊपर की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे हमें अरे वायर ब्लास्टर इसके अंदर भी दिया गया, इतना स्लिम होने के बावजूद भी ब्लैक कलर का फ़ोन है, मैं नहीं समझता कि आप इसको देख पा रहे होंगे लेकिन यहाँ पे हमें IR ब्लास्टर दिया गया और ये एक सेकेंडरी माइक भी दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है शाओमी ने,
ओवरऑल इसकी डायमेंशन में, इसके डिज़ाइन में स्लिम करने के बावजूद, डायमेंशन को इतना मिनिमल करने के बावजूद भी यहाँ पे हमारे लिए आयर ब्लास्टर भी दिया है। हाँ अलबत्ता हमें फुल ट्रे यहाँ पे, मतलब ट्रिपल स्लॉट वाली ट्रे नहीं दी गई है, अगर वो होती तो क्या ही बात थी। 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज मैं समझता हूँ एक आम यूज़र के लिए काफ़ी है यार, इनफ है, किसी को मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग सिक्योरिटी की वजह से, सेफ्टी की वजह से मेमोरी कार्ड में अपना डेटा रखते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों ये हमारे पास Xiaomi Mi 11 Lite। जी दोस्तों आप लोगों ने देखी अनबॉक्सिंग वीडियो Mi 11 Lite की, और यार ऑनेस्टली यहाँ पे Xiaomi ने कमाल किया है इस फोन के साथ, इतना स्लिम और इतना लाइट वेट Xiaomi का, मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि Xiaomi ऐसा फोन बना रही है, क्योंकि हमेशा से हमने Xiaomi की तरफ से एक चीज देखी है कि उनके फोन मोटे भी बहुत होते थे और भारी भी बहुत ज्यादा होते थे, तो इस बार नो डाउट Xiaomi ने हमारी तकरीबन तमाम शिकायतों को पूरा दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। एमोलेड पैनल आपको देना शुरू कर दिए Xiaomi ने, लाइट वेट आपको देना शुरू कर दिया, थिन फोन का जो इसकी डायमेंशन होती है वो देना शुरू कर दिया, और 732 के चिपसेट के साथ इस प्राइस टैग में नो डाउट ये बहुत अच्छा फोन है। इसके अलावा दोस्तों जो कैमराज हमें दिए गए हैं यहाँ पे ट्रिपल कैमराज है, 64 MP का प्राइमरी सेंसर हमें मिल जाता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके सैंपल्स भी दिखाऊंगा, और अगर आप मुझसे इनिशियली पूछें तो इनडोर, अगर आप मैं इस आर्टिफिशियल लाइट में मैं आपको बताऊं तो इसके जो कैमराज की परफॉर्मेंस है वो वाकई मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये इस प्राइस टैग में मुकम्मल तौर पर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। इसकी कंप्लीट डिटेल रिव्यू की वीडियो आएगी जब मैं इसको ठीक से इस्तेमाल कर लूंगा, उसके बाद मैं ठीक से आपसे शेयर कर पाऊंगा अपना एक्सपीरियंस इसके यूजेज का और अपने व्यूज। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की नई डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाली वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।